हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम अध्याय एक का अभ्यास नंबर दो पढ़ाने जा रहे हैं। आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ताकि क्लियर आपको एक एक अक्षर के बारे में समझ में आएगा। इसमें आपको क्या देखना है कि डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन जो हमने तीन बताया हुआ है, अधोगामी, अग्रगामी और ऊर्ध्वगामी, इनमें यही देखना है, लाइट और डार्क देखना है, यानी गहरा और पतला आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट लेटर है, आप देख सकते हैं ये शॉर्ट हिंद में लिखा गया है, अभ्यास दोन में आपको इसकी हिंदी लिखनी है। तो पहला जो लेटर है वह है जो ऊर्ध्वगामी लेटर बोलते हैं इसको, इसका नाम है वा। दूसरा जो है हमारा लेटर थ है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये लाइट है और ये क्रॉस किया हुआ है। तीसरा जो है ये लाइन पे है, जो बाएं से दाएं लिखा जाता है, जो ख ख बोल सकते हैं, ये ख है। तीसरा जो चौथा जो है ह, जो ऊपर से नीचे है, जिसे हम अधोगामी रेखा अक्षर कहते हैं। तीसरा हमारा लेटर है, सॉरी नेक्स्ट जो लेटर है ये है ट, जिसे हम वक्र बोलते हैं। फिर आता है न, जो लाइन पे है ऐसे। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड हमारा, जिसे हम ऊर्ध्वगामी अक्षर बोलते हैं, ल, नीचे से ऊपर बनता है, ल है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे लाइट है, तो ये भी ट है हमारा। फिर ये है मा, ये भी लाइट है। फिर आता है र, जिसे हम अंग बोल सकते हैं, इसका सेम नेक्स्ट जो है र है, दोनों की आउटलाइन सेम है, ये दोनों लाइट हैं और अधोगामी हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बने। नेक्स्ट वर्ड हमारा है भ, जो डार्क है ये। फिर नेक्स्ट लेटर हमारा है, लाइट देख रहे हैं कि स्ट्रोक से ही पता चल रहा है कि ये लाइट है एकदम, तो ये च, और ये क्रॉस है तो ठ लेटर है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि च ठ, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड सॉरी लेटर है हमारा घ, यानी कि थ है, क्रॉस किया हुआ है, और ये हमारा तीसरा जो है ख है, क्योंकि ये लाइट बना हुआ है। फिर देखिए ये स है, स दो होते हैं, तो ये स हमारा बड़ा वाला है, और ये है फ, जो लाइट है। नेक्स्ट है देखिए थोड़ा सा डार्क है, वो ऊपर से नीचे इसका डायरेक्शन है, जिसे हम अधोगामी बोलते हैं, तो ज लेटर है, और ये ट है। अगर ये लाइट है तो ट है, अगर ये डार्क है, अगर इसे डार्क है तो ये हमारा ड है। ये है त लेटर जो लाइट में है। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर डार्क है तो घ है,
फिर नेक्स्ट लेटर है हमारा लाइट में है तो फ़ा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस है तो ठ है। फिर यहाँ पे आप देखिए कि ये क्रॉस है तो कौन सा है, तो झ लेटर है क्योंकि ज को कट किया हुआ है। फिर ये हमारा क है जो बाएं से दाएं लिखा जाता है। उसके बाद ये लाइट है तो फ़ा है। फिर ये हमारा ह है, ऊपर से नीचे अधोगामी लेटर है। अब यहाँ देख सकते हैं कि क्रॉस है तो क्या होगा, फिर झ क्योंकि च को कट किया हुआ है, ये ज है। फिर आता है ये डार्क है तो ये हमारा ड है। यहाँ पे हमारा अभ्यास 2 नंबर फिनिश हो गया है। अगर इसमें कोई मिस्टेक या कन्फ्यूज़न लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। दूसरा, इसमें प्रैक्टिस जो है हर एक लेटर की कम से कम 5 से 6 लाइन लिखनी है बोल बोल के, वो भी बोल बोल के लिखेंगे। और बेसिक जो शॉर्ट हैंड आप सीख रहे हैं तो इसमें आपको पेंसिल का यूज़ करना है, पेन का नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।